सर नमस्कार सर, मेरा सवाल यह है कि जैसा आपने बताया कि हमें अपने लिए उपाय करने पड़ते हैं, कुछ उपाय कुछ दिन के लिए हैं, कुछ सप्ताह के लिए, महीने के लिए और साल के लिए भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेकिन जो रत्न पहने जाते हैं ये 12-14 साल तक भी हम धारण किए हुए होते हैं, तो क्या इन रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है क्या? बिल्कुल, देखिए रत्नों की डेट एक्सपायर हो जाती है, जब बंदा एक्सपायर हो जाता है तो फिर रत्न भी एक्सपायर हो जाते हैं। सिंपल सी चीज है, तो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आप एलसीडी लेते हैं, नई रिमोट लेते हैं, उसमें सेल डालते हैं, तो आप उसको अगर दीवार की तरफ भी करके चलाएंगे तो आपको उसमें देखेंगे कि वो एनर्जी को पकड़ता है, उसकी रेजिस को पकड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप स्टोन डालते हैं वो आपकी प्रॉब्लम का नाश करता है, तो उसकी एनर्जी कम होती है और एक्सपायरी डेट 100% है। लेकिन अच्छे स्टोन की लाइफ 14 से 15 साल है, और जो बिल्कुल बेकार है हो सकता है 3 महीने हो सकता है 1 साल। हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं रत्न धारण करना चाहती हूँ और मार्केट में तो सस्ते और महंगे दोनों तरह के रत्न मिलते हैं, तो क्या मैं सस्ते रत्न पहन सकती हूँ या मुझे महंगे वाले रत्न खरीदने पड़ेंगे? जैसे मैंने बताया है कि इट्स डिपेंड ऑन योर बजट एंड पॉकेट। गाड़ी लेनी है, किसी ने लिख दिया है कि ऑडी लेनी है, मारुति 800 भी तो ले सकते हैं ना, तो इट्स डिपेंड ऑन योर बजट। आप अपना बजट देखिए, रत्न आप 1 करोड़ का लेंगे तो 2 करोड़ वाला भी पड़ा हुआ है, एंडलेस है, आप उस पे ना चले, आप अपने बजट पे देखिए। उपाय का मतलब क्या होता है? जो कंफर्टेबली किया जाए। देखिए जब ईश्वर ने रत्न बनाए हैं तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज तो पहले ही है। एक रत्न वो है जो हम इसे बोलते हैं सेमी रत्न, उसके बाद सेमी के बाद आते हैं नॉर्मल रत्न आते हैं, उसके ऊपर आते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के रत्न। अब 3 रत्न मैंने आपको बताए हैं, सेमी जो है ये बहुत चीपेस्ट रेट पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेमी रत्न काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, जरूरत हमें आज है लेकिन हम वेट तो नहीं कर सकते ना। शादी नहीं हो रही किसी की तो उसका मतलब यह है कि उसको सेमी डलवा दिया जाए, पहले शादी नहीं हो रही, पहले वो लेट है। वो अगर अच्छा रत्न डालेंगे तो रिजल्ट 40 डेज के अंदर आएगा। अगर और भी किसी के क्वेश्चंस या कुछ सवाल बाकी रह गए हैं तो आप रमन जी से पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? सर नमस्कार, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रत्न जो है कामकाजी लोग ही पहन सकते हैं या घर में बच्चे और बुजुर्ग भी पहन सकते हैं ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके? रत्न के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप 1 साल के हैं तो नहीं पहन सकते हैं, आप 90 प्लस है तो नहीं पहन सकते हैं। हर बंदा उसे पहन सकता है जिसका जन्म हो चुका है, जो धरती पे आ चुका है, उसके लिए ग्रहों का जो प्रभाव है, नक्षत्रों के प्रभाव से कोई ना बच पाया है ना बचेगा, तो डेफिनेटली हर उम्र का बंदा इसे पहन सकता है, चाहे वो बाल अवस्था में हो, युवा में हो, या वृद्ध में। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो उसके लिए हमें मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए रत्नों को जैसे मैंने बताया है, मेटल आपने डाल लिया है अच्छे वाला, मित्र का मेटल रत्न अच्छा ले लिया है, लेकिन अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत है मुहूर्त की। घर दुकान मकान कुछ भी लेते हैं तो मुहूर्त के अनुसार ही लेते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। अब मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त में आपको बहुत क्लियर कर दूं, मुहूर्त अगर आप मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, शोरूम ले रहे हैं, तो क्या बोला जाता है कि हमने इसको उद्घाटन करना है। ये थोड़ा होता है कभी उठे जाके उद्घाटन करके आगे, हो सकता है उन दिनों के अंदर बेंच के लगी हो सकता है पितृपक्ष लगा हो, तो वो चीजों को आप मद्देनजर रख के, ये कुछ टिप्स हैं, इन्हें फॉलो करेंगे, वही मुहूर्त जो रतन 1000 गुना काम कर रहा था 1,00,000,000 गुना काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि एक अच्छे मुहूर्त के अंदर अगर आप दुकान को शुरू करते हैं, मकान को शुरू करते हैं, तो बरकत बढ़ेगी और वो बिजनेस बहुत फलीभूत होगा। देखिए नवरत्न के अंदर 9 नगीने जड़े जाते हैं। नवरत्न ये वो है जिनके पास अपना कुंडली नहीं है। इफ यू डोंट हैव योर डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपके पास
जन्म का समय नहीं है, जा आपके पास ईयर सही नहीं है, हो सकता है आपको यह भी ना पता हो कि स्थान कौन सा था, तो उससे बचने के लिए, उसको सही करने के लिए ग्रह को नवरत्न की अंगूठी का सहारा लिया जाता है, यानी 9 के 9 ग्रह आपके हक में आ जाएंगे और यही नवरत्न को बोला जाता है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज बता दूं, मार्केट में आपको नवरत्न की अंगूठी कितने की मिलती है? 500 से 1000 रुपए की। अरे भैया बच लो, क्यों? एक रत्न की कीमत है 10,000, अंगूठी ले रहे हो 500 रुपए की, तो फिर बाद में आप बोलोगे रमन जी आपने बोला था, तो मैं तो पहले बोल रहा हूं अच्छा रत्न, बढ़िया रत्न लेंगे, लैब टेस्टेड, तो यही आपको फायदा मिलेगा। आप पूछिए क्या पूछना आपका। सर मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, तो क्या कोई ऐसा जेमस्टोन है जिससे मेरा स्ट्रेस दूर रहे और मेरे को स्ट्रेस ना हो? देखिए बिल्कुल होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है, स्ट्रेस आता क्यों है पहले मेरे को ये बताओ, किसी दुकान पे तो नहीं बिक रहा कि आप वहां गए जा वहां से लेके आ गए। स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो प्लेनेट आपके हक में नहीं है, उस प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर उस प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है मेडिसिन भी बनी हुई है, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन है, आप उसे धारण करेंगे रिजल्ट आएगा, वही चीज जो मैंने बताया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस दूर करेगा, स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा, लेकिन उसके लिए आपको सही रत्न चयन करके जिसे भाग्य रत्न जीवन रत्न वो पहनना पड़ेगा। हेलो सर, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि हमें जितने भी रत्न लेने चाहिए वो सर्टिफाइड लेने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, उसी से हमारे पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो सर जब हम बाजार जाते हैं तो ज्यादातर क्या सारे सर्टिफाइड होते हैं, तो सर हमें ये बात कैसे पता लगेगी कि जो सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है वो लैब बिल्कुल सही है, वो सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा सर? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ चंद लैबें हैं इंडिया में, और एक मैं सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, हो सकता है अभी तक इस चीज को किसी ने बताया भी नहीं, न्यूयॉर्क के अंदर एक लैब है, वो लैब इंटरनेशनल लैब है, वो लैब का सबसे बड़ा मैं आपको चीज बता दूं, ग्रेविटी तो निकालेगी निकालेगी, वो जेम्स की बिल्कुल तह तक जाती है, कौन सी माइंस है, माइंस का नाम आ जाता है उसके ऊपर, लेकिन उस लैब का जो अपना एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत महंगा है, अगर आप 10,000 का पत्थर ले रहे हैं तो 16-17,000 की लैब है, और हो सकता है 4 से 5 महीने आपको उसकी रिपोर्ट आने में लग जाएंगे, तो वो कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, इससे बेटर है कि ऑथराइज लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत अच्छी लैब्स हैं, आप उसे सर्च करके गूगल पे जान सकते हैं कि वो लैब जेन्युइन है। हाँ लैब जब भी आप लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आफ्टर 24 आवर्स के बाद वो आपको जो स्टोन भेजते हैं उसका एक्चुअल स्टेटस विद ट्रैकिंग नंबर वो नेट पे चढ़ा देते हैं, तो यू आप वहां देखेंगे उस ट्रैकिंग नंबर को डालेंगे और आपको उसकी रियलिटी पता लग जाएगी, वाकई जो दे चीज मेरे को मिली थी वो है भी या नहीं। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूं जो हम रत्न धारण करते हैं उसका पॉजिटिव प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ रहा है वो पॉजिटिव प्रभाव नेगेटिविटी में ना बदले, उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। देखिए रत्नों के बारे में बोला गया है, सबसे पहले मैं बता दूं नियम इसके कोई नहीं, अगर आप ये बोलते हैं रत्न डालने के बाद लोग नॉनवेज नहीं खा रहे तो खा रहे थे, ये पहले मैं बता दूं इस चीज को, लोगों की ये बड़ी धारणा है कि पता नहीं स्मोक, देखिए मोस्टली लोग स्मोक करते हैं, लीकर ले रहे हैं, तो मैं ये यहां पर नहीं बोलता कि आप लेकिन मैं यहां पर बोलता हूं कई बार अभी देखिएगा अब्रॉड में जो कल्चर है, जो हमारे इंडियंस बच्चे बाहर जाते हैं जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो तो भाई खाइए रहे, तो उन्होंने भी तो रत्न पहने हुए हैं, तो क्या वो उतार के इंडिया भेज दे वापस? नहीं, तरक्की मिलेगी सफलता मिलेगी। और दूसरा इसका जो मैं आपको स्पेशली बता दूं, इसका जो एक बहुत बड़ा आप बार बार उतारिएगा, कई बार क्या होता है बंदा उतार देता है फिर डाल लेता है, उतार देता है फिर डाल लेता है, ये काम ना करिएगा, अन्यथा यही रत्न जो आपको फायदा दे रहा है ये नुकसान की तरफ चल रहा है। नमस्कार सर, सर जो हम लोगों ने रत्न पहने हुए हैं इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, कई बार मोस्टली क्या होता है रत्न की पावर को इंक्रीज कैसे किया जाता है, मैं आपको आज बता देना चाह रहा हूं,
हो सकता है मेरे इस सवाल से कई लोगों की दुकानदारी खतरे में ना आ जाए, मेरे को ये भी डर लग रहा है क्योंकि रत्नों वाले मेरे को आगे ना पकड़ ले, भैया आपने हमारे रत्न बेचने बंद करवा दिए। रत्नों की अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं तो दो तीन चीजों का ख्याल रखिएगा, परफ्यूम टैग उसके ऊपर ना लगाए। सेकेंडली अगर आप रत्न पहने हुए हैं, यू वांट, आप चाहते हैं कि उसकी पावर को इंक्रीज किया जाए, तो उस रत्न के जो देवी देवता हैं, ग्रह हैं, उनकी पूजा करें, आराधना करें, दान करें, ताकि वो रत्न और हजार नहीं, मैं तो बोलता हूं लाखों करोड़ों गुना आपको फलीभूत हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। सर, हमारे साथ आप तो कोई ऐसा रत्न है जिसे धारण करके मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं? अगर आज की तारीख में अमेरिका बोल दे कि हमने वीजा बंद नहीं करा, आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम, तो इंडिया सारा खाली हो जाएगा। चंद बंदे बचेंगे जो बेचारे बेडों पे पड़े हुए नहीं जुड़ सकते, वरना सारी दुनिया भागने को तैयार है और पैदल भी चले जाएंगे कुछ लोग ऐसे भी। लेकिन बात हो रही है रत्नों को। देखिए मोस्टली क्या होता है, आप किसी ट्रेवल एजेंट को पैसे दे देते हैं, पैसा फंस जाता है, रकम क्या होती है, लाखों में, हजारों में नहीं होती। अब उससे कैसे बचना है, अगर आप कोई आईलेट्स करके अपने आप को बाहर अब्रॉड में सेटल करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज कि आप सिलोन का गोमेद पत्थर आता है जिसे बोलते हैं श्रीलंका का गोमेद, वो पहन लीजिएगा। पंच धातु के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मेरे को इतना पता है जिन जिन लोगों ने पहना है, या तो उनका अब्रॉड आना जाना शुरू हो चुका है या फिर वो वहां पे पक्के सेटल हो चुके हैं। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी किसी की मेमोरी वीक होती है, मतलब बातें याद नहीं रख पाते अपनी, तो कोई ऐसा जेमस्टोन है जिसे पाकर मतलब वो अपनी माइंड स्ट्रोंग कर सके? देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बादाम खाएं, मैं तो ये बोलूंगा रत्न ही पहने। मेमोरी क्या है आप समझिएगा, हमारा न्यूरो सिस्टम जो है ये बुद्ध के अंडर आता है। बुद्ध क्या है, बुद्ध अगर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी कभी भी वीक नहीं होगी। बुद्ध का रत्न क्या है, पन्ना। बोला जाता है 1000 मोती डालने से जितनी मेमोरी बढ़ती है, सिर्फ एक पन्ना डालने से उतनी बढ़ती है। डालिएगा अच्छा पन्ना, लेकिन जाम्बियन आता है और कोलंबियन आता है, उसे आप पहनेंगे तो मेमोरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, बुध आपके घर में बरकत लेके आ जाएगी, बहुत एक अच्छी चीज है। इसको नमस्कार सर, कोई रत्न ऐसा है सर जो सोने की मिट्टी में या तो कोई चांदी की मिट्टी में, इसका क्या रेट है सर? देखिए ये सारी चीजें ग्रहों के ऊपर निर्धारित है। जैसे लोहा है, आयरन को क्या बोला जाता है, शनि का धातु है। येलो गोल्ड है, उसे बोला जाता है देवगुरु बृहस्पति का धातु है। व्हाइट गोल्ड है, उसे बोला जाता है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वर जो है चंद्रमा को करती है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, एक अकेला 2 11। अब इस चीज को समझिएगा कि अगर एक बंदा डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है तो मेटल डालेंगे उस देवी देवता का, उस ग्रह का, तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, सर मेरे पापा की एक अंगूठी है उरास की, सर उतार के रखी हो, मैं पहन सकता हूँ सर? देखिए यहाँ पे मैं रत्नों के बारे में क्लियर कर दूं, इससे जब भी कोई लेता है उस रत्न को उसकी पूजा होती है। पूजा में क्या बोला जाता है, अमुक नाम अमुक गोत्र, यानी इस नाम का है, इस गोत्र का है, ये फादर का नाम है, ये मदर का, जो पंडित जी ब्राह्मण उसकी पूजा करते हैं। अब उस पत्थर को उस डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें क्या बोला जाता है कि फादर साहब ने पहना था, उनका हेल्थ इश्यू थे, तो आप तो पहन रहे हैं, आपको बिजनेस के लिए पहनना है तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है फादर साहब को 7 रत्ती का डल रहा हो, आपको 4 रत्ती का डल रहा हो, जब फादर साहब को 4 रत्ती का तो आपको 7 का, तो अलग अलग हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन के अंदर मैं बोलता हूं यूज्ड पत्थर को बिल्कुल ना लीजिएगा। एक और चीज मैं बता दूं, कई बार हम अपने फ्रेंड सर्कल से ले लेते हैं कि इन्होंने 4 लाख का निर्णय लिया था, उनको 2 का मिल रहा है, तो भैया आपके लिए नुकसान पैदा हो जाएगा, 2 लाख भी आप खत्म कर देंगे। समझ गए? ठीक है। हेलो सर, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है
उनको कुछ लोग कहते हैं कि मोती और पन्ना पहनना चाहिए, तो क्या ये सच है कि अगर हम वो पहन लेंगे तो हमारे को स्ट्रेस होना बंद हो जाएगा? देखिए, नेट के ऊपर बोला गया है पन्ना और मोती इकट्ठे नहीं डालने चाहिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर ये दो रत्न आप इकट्ठे डालते हैं स्ट्रेस भाग जाएगा। अब कैसे? जिन्होंने नेट पे डाला हुआ है उन्होंने नीचे नंबर नहीं दिया हुआ। वो बंदे वो है जिनको नीम हकीम खतरे जा रहे हैं, उन्होंने नंबर नहीं दिया हुआ। नंबर हमने दे रखा है, लोग हमारी जान डालते हैं। तो उस चीज को दूर करता हूं। जो बुद्ध है इनका रत्न पन्ना है और मोती किसका है? चंद्रमा का। और चंद्रमा के वंश से बुद्ध की उत्पत्ति हुई है। बाप बेटा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे कैश करिएगा। एक मैंने वीडियो में बताया है, 1000 मोती पहनने से जितना लाभ होगा उतना एक पन्ना पहन लीजिएगा। तो डेफिनेटली ये एक ही बिरादरी के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो आप पहनेंगे, स्ट्रेस भागेगा, दूर होगा और बहुत अच्छे से होगा। एक और बता रहा हूँ बेटा। नमस्कार सर, आए दिन मेरी वाइफ जो बीमार रहती है सर, उस वजह से मुझे काफी टेंशन रहती है सर। कोई ऐसा रथ है मेरी वाइफ जिसे धारण करके ठीक हो सके? सबसे पहले बोला गया है शास्त्रों में, जिसकी निरोगी काया है वो बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन निरोगी काया आजकल एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका है, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब चीजें जो क्या है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब रत्नों की बात करते हैं तो मैं बता दूं, रत्नों के अंदर इतना दम है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, सही रत्न, जीवन रत्न अगर आप पहन लेते हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब जीवन रत्न है क्या, क्या करेगा? बोला जाता है जीवन रत्न तीन चीजों को आपको प्लस करेगा, आयु बढ़ा देगा। लोगों का सबसे पहले सवाल होता है कि मेरी आयु बड़ी कम तो नहीं है? हर बंदा चाहता है 100 साल जीना, आयु वृद्धि करेगा। दूसरा, आपको अगर हेल्थ इश्यू है तो जीवन रत्न उसे बिल्कुल खत्म करेगा, सॉल्व करेगा। एंड द थर्ड इज, आपने देखा होगा रत्न जब भी आप पहनते हैं, मैं फिर से बता दूं, हेल्थ इश्यू को तो कवर करेगा ही करेगा, हैप्पीनेस लेके आता है लाइफ के अंदर। अगर हैप्पीनेस आ गई तो आप समझेगा कि जितनी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी। हेलो सर, हाय सर, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है, वो स्कूल में पढ़ती है तो पढ़ाई में बहुत वीक है, क्या कोई ऐसा रत्न है जिससे वो पढ़ाई में तेज हो जाए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है, स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं तो उनका सबसे बढ़िया जो ग्रह होता है वो होता है देवगुरु बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। तो जुपिटर क्या है? ज्ञान के भंडार है। अब ज्ञान चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं, मोस्टली देखिए एक मैं चीज बता दूं, जब भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बहुत अच्छा अपना पूरा दम लगाते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब पेपर देने जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी मेमोरी से वो सारी चीजें निकल गई। तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप पीला पुखराज पहनिएगा, राइट हैंड की पहली उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में उसे येलो गोल्ड में डालेंगे। यही चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, मेमोरी भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद। We had such a wonderful session. और मैं रमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें एक फ्री वर्कशॉप दी है और इतने सवालों के जवाब आपको मिले हैं। मैं अपनी ऑडियंस का भी धन्यवाद देना चाहूँगी एंड मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हुए हैं और आप दोबारा से रमन जी से कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड एक्टिंग। देखिए, मैं सभी को ये बोलूंगा, आप रतन डालिए, जरूर डालिए, विश्वास रखिए। बोला जाता है विश्वास वाले का बेड़ा पार है। अगर आपका फेथ ही नहीं है तो रतन डालने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन रतन डालेंगे एक एक्सपर्ट की राय के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और एक और चीज मैं साथ में बता दूं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, हो गया जो लाइफ में होना था, जितने उपाय लेने थे, जो करना था कर लिया, अब
मैं ओपनली सबको वेलकम करता हूं, दिल से करता हूं कि आप जुड़िए हमारे साथ और मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट चंद दिनों के अंदर ही मिलना शुरू हो जाए।